हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आइए आज एक ऐसे शख्स के पास बैठे हुए हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता भी लिखते हैं, और एक स्टूडेंट होने के नाते अगर इनके अंदर ये कला है तो हम चाहते हैं कि इनकी ये कला को आप तक पहुंचाया जाए। और इनकी एक हास्य कविता है जो कि बघेली पे है। तो सबसे पहले आइए इनका नाम जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम? भैया, मेरा नाम प्रद्युम्न विश्वकर्मा। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और कैसे कविताएं लिखते हैं आप? वैसे तो मैं लिखता वीर रस में हूँ। अच्छा, अधिकतर कविताएं मेरी वीर रस में ही रहती हैं। हाँ हाँ हाँ। और शेरो शायरी का भी थोड़ा बहुत। क्या बात है, एक स्टूडेंट के अंदर ये जो कला है, ये अगर आ गई तो एक स्टूडेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्लास पे भी बढ़ जाती है। और आप तो खैर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो यकीनन क्लास में तो माहौल आपका बना रहता होगा। तो आइए चलिए सुनते हैं इन्हीं की एक बहुत ही प्यारी सी बघेली कविता, और यकीनन आपको बहुत मजा आने वाला है। इस कविता को ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा। तो क्या वो कविता के बोल क्या है, अब आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। तो मेरी कविता कुछ नशे के लिए है कि जो लड़के आजकल नशा करते हैं। अच्छा अच्छा। उस पर थोड़ा सा व्यंग है कि आज के लड़का खाए की गुटका, वाह, बनते खूब नवाबी, क्या बात है, होए परीक्षा जीरो पामे सबसे बड़ी खराबी। बहुत खूब। कि घर मा जाए के पैसा मांगे, घर मा जाए के पैसा मांगे, हमका लागी फीस। अच्छा। आ खाए के गुटका खड़े रोड मा सगले काढ़े खीस। क्या बात है, बहुत सुंदर बोल है। कि जब तक पैसा रहे जेब मा काहू से न बोले। अच्छा। जब तक पैसा रहे जेब मा काहू से न बोले, आ दादू अपन तान पिछौरा 10 बजे तक सो मैं। क्या बात है। अच्छा, ये पिछौरा शब्द क्या है? पिछौरा मतलब जो चादर होता है। चादर होता है ना। तो कैसे है ये लाइन, फिर से एक बार रिपीट करिएगा। कि दादू अपन तान पिछौरा 10 बजे तक सो मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मम्मी पापा लिए नाश्ता बिस्तर पास खड़े हैं। क्या बात है। दादू अपन तान पिछौरा बने नवाब पड़े हैं। क्या बात है। नवाब, नवाब जो राजा हुआ करते थे पहले जमाने के। कि जब हिन बाप का गुस्सा आई, पटकिन पांव जमी पर, अब बिस्तर से उठकर के दादू जाए गिरे पनहिन पर। बहुत पनही मतलब ये जूते। हां, समझ गए। कि जाए गिरे पनहिन पर, पनही उतर पीठ पर बाजी, उतरे हार नजर से, और शाम का जब हम घर का लौटिन चले जाए तब घर से। बहुत बढ़िया। मन चिल्लाए कि सबको दादू का समझावा, हलवा पूरी के बदले में पनही रोज बजावा। तो बहुत बढ़िया। इतने बात में समझ ना आई घर के दादू का ही, आ छोड़ के तल्ला अब दादू का करें दया मनमानी, करें दया मनमानी। बहुत ही हास्य से भरी हुई है ये कविता। और एक लड़का अपने घर पे किस प्रकार से मस्ती करता है, मनमौजी करता है, इस कविता में बहुत खूबी से उसका वर्णन किया गया है। तो प्रद्युम्न जी, बहुत शानदार ये कविता लगी हमें, और यकीनन हमारे दोस्तों को भी पसंद आएगी, दर्शकों को भी पसंद आएगी। इसके अलावा भी और कुछ? इसके अलावा मेरी वीर रस में रहती है। वीर रस में रहती है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आपको अगले वीडियो में इनकी एक वीर रस की कविता हम जरूर सुनाएंगे। दोस्तों, इनकी ये कविता कैसे लगी? कविता अच्छी लगी हो तो प्रद्युम्न के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर, और कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। और यदि आपके पास भी कुछ ऐसी ही मजेदार कविता है तो वीडियो के कमेंट में जरूर चिपकाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।